शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मेरी कहानी सुनकर आप मुझे इंसाफ दिला सकेंगे? बेशक। देखो, सीधी तरह से बता दो वरना सीधा पुलिस के हाथ में दे दूंगा। यही है वो जाफिम की स्मगलिंग करते हैं। छोड़ देता हूँ। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? विश्वा ने अपने बिल्ला को मार डाला है। क्या, विश्वा ने बिल्ला को? इस वक्त विश्वा कहाँ होगा? वो ड्राइवरों की बस्ती है ना, वहीं कहीं छुपा है। पुलिस भी उसे तलाश कर रही है। पुलिस सिर्फ उसे तलाश करती रह जाएगी, पता भी नहीं लगा सकेगी, क्योंकि बस्ती वाले उस पर जान छिड़कते हैं। तुम एक काम करो, उस बस्ती में आग लगा दो। घबरा के लोग बाहर निकलेंगे और उस भीड़ में विश्वा भी बाहर निकलेगा, और जैसे ही वो बाहर निकलेगा शेरा उसे कच्चा खा जाएगा। विश्वा नहीं, विश्व प्रताप कहिए जा साहिबा। हाँ हाँ, विश्व प्रताप उर्फ विश्वा। तुमने पहली नवंबर की रात खुलेआम बिल्ला नाम के एक आदमी पर तलवार से हमला करके उसका खून कर दिया। तुम इस जुर्म को कबूल करते हो? मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मेरा सवाल है कि तुमने कत्ल किया है या नहीं? और मेरा जवाब यही है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। अगर तुमने कोई गुनाह नहीं किया है तो फिर पुलिस ने तुम्हें गिरफ्तार क्यों किया? पुलिस के हाथों गिरफ्तार होने वाला हर इंसान गुनाहगार नहीं होता जज साहिबा। भारत की पवित्र धरती से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने वाले महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार किया गया था, क्या वो भी गुनहगार थे? मिस्टर प्रोसिक्यूटर, आप अपनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। योर ऑनर, पहले गवाह की हैसियत से मैं उस बस्ती में चाय की दुकान चलाने वाले विभाकर चोगले को यहाँ बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। नमस्कार विभाकर चोगले जी। इस मुजरिम को गौर से देखो और बतलाओ कि मकतूल बिल्ला का कत्ल होते हुए तुमने अपनी आंखों से देखा था? वकील साहब, एक गिलास पानी मिलेगा? मेरा गला सूख रहा है। आपका क्या सूख रहा है? गला सूख रहा है। पानी प्लीज।
अब बतलाओ, इस मुलजिम को मकतूल बिल्ला का कत्ल करते हुए तुमने अपनी आंखों से देखा था? वकील साहब, एक सोडा मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस चोगले के गले से आवाज बाहर नहीं निकल रही। सोडा प्लीज। अब बतलाओ, जब ये बिल्ला का खून कर रहा था उस मंजर को तुमने अपनी आंखों से देखा था? वकील साहब, आप क्या बोल रहे हैं मुझे सुनाई नहीं देता, मैं ऊंचा सुनता हूँ। जब ये बिल्ला का खून कर रहा था उस वक्त तुमने अपनी आंखों से देखा था? नहीं। यही बोलने के लिए तुम यहाँ पर आए थे? हाँ, यही बोलने के लिए आया था। आप जा सकते हैं, जाइए। हाँ इंस्पेक्टर साहब जी, क्या आपने मुजरिम विश्व प्रताप को कत्ल करते हुए देखा? जी कत्ल करते हुए तो मैंने नहीं देखा, लेकिन इसने बिल्ला का खून किया और इसकी इत्तला मुझे फोन पर मिली। फोन किसने किया? जी मुझे नहीं मालूम। और आपका ये कहना है कि आप पूरी छानबीन के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कातिल मुलजिम विश्वा है, यही कहना चाहते हैं ना? यस योर ऑनर, इस कत्ल से संबंधित सारी रिपोर्ट्स कोर्ट में जमा करा दी गई है। दैट्स ऑल योर ऑनर। द कोर्ट इज एडजर्न। शेरा, आज अदालत में विश्वा जिस हिम्मत और यकीन के साथ जवाब दे रहा था उससे तो लगता है कि उसे विश्वास हो गया कि कोई इसके खिलाफ गवाही दे ही नहीं सकता और उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। ऐसी मनुष्य टाइप की बातें मुंह से मत निकालिए। अगर वो कैद से बरी हो जाएगा तो हम लोग तो जिंदगी की कैद से बरी हो जाएंगे। जिस टाइप से उसने बिल्ला का कत्ल किया है ना, ठीक उसी टाइप से हम सबको बिल्ली समझ के हमारा भी कत्ल कर देगा। बंद कर अपनी घटिया और बेहुदा बकवास। टक्कर से टक्कर लेने में पहाड़ों को पसीना आ जाता है तो यह किस देखची का मसाला है? रास्ता पार करते हुए कुत्तों को जैसे लारी कुचल के निकल जाती है उसी तरह कुचलवा के रख दूंगा इस बिना दांत के कुत्ते को। अगर वो रास्ता पार ही नहीं करेगा तो आप उसे कैसे कुचलवा देंगे? वो तो जेल में है। शेरा, किसे मारना है? अपना वो हवलदार जग्गा उसी जेल में ड्यूटी पर है ना? हाँ। विश्वा गेले। क्या है? आज 15 अगस्त का दिन है, सब कैदियों में मिठाई तकसीम की जा रही है, ये तुम्हारे हिस्से की है। विश्वा? विश्वा नहीं, विश्व प्रताप कहिए जेलर साहब। विश्व प्रताप, मगर मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम एक नेक और अच्छे इंसान हो, गरीबों के दुख दर्द में काम आते हो और बस्ती के तमाम गरीब तुम्हें फरिश्ता कहते हैं। कातिल हूं यह सुना नहीं आपने? वही मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे शक है कि तुम्हें बिलावजह गिरफ्तार किया गया है और जो अफसोसनाक वाकया आज पेश आया है वो उसकी ताजा मिसाल है। विश्व प्रताप, अगर वाकई तुम बेगुनाह हो तो सच्चाई क्या है मुझे बताओ, जो कुछ मुझसे मदद हो सकेगी मैं करूंगा।
मेरी कहानी सुनकर आप मुझे इंसाफ दिला सकेंगे? बेशक, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर सुनिए, मैं ठक्कर ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक सिकंदर लाल ठक्कर के वहां लॉरी ड्राइवर की नौकरी कर रहा था। क्या बात है? आप मेहरबानी करके मुझे जरा शहर छोड़ दीजिए। कमाल है, मैं अब जा रहा हूँ और आप मुझे डाउन जाने को कह रही हैं। अच्छा ठीक है, जरा आगे ले चलिए, मैं किसी बस्ती से टैक्सी पकड़ लूंगी। आइए। शुक्रिया। जरा गाड़ी तेज चलाइए ना, बड़ी मेहरबानी होगी। आप कोई रॉन्ग नंबर की सवारी लगती हैं? जी जी, क्या क्या मतलब? मतलब ये कि ये पुलिस आप ही की तलाश कर रही थी ना? जी हाँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो सीधी तरह से बता दो, वरना सीधा पुलिस के हाथ में दे दूंगा। नहीं नहीं, बताती हूँ, सच सच बताती हूँ। मैं करोड़पति की यहाँ नौकरानी का काम करती हूँ। बाबरे, कसम है चिराग की, चंदा से चमकते हुए दिमाग की, तुम जरूर वहाँ से कुछ चुरा कर भागी होगी। जी, कैसी बातें करते हैं आप, मैं इस किस्म की लड़की नहीं हूँ। अच्छा तो किस किस्म की लड़की हूँ, इस बात पर अपने दिमाग के चिराग की जरा रोशनी टपकाएंगी? जी टपकाती हूँ। मेरा मालिक अच्छा आदमी नहीं था, उसने मुझे बेसहारा गरीब समझ कर मेरा हाथ थामने की कोशिश की, मैंने उसकी पिटाई कर डाली, उसका सर फोड़ दिया। इसलिए वहाँ से भाग निकली कि उसके लोगों के सामने बदनामी ना हो, इसलिए उसने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। बस इसलिए पुलिस मेरा पीछा कर रही है, मेरी मदद कीजिए, एक बेसहारा इज्जतदार लड़की को बचा लीजिए। मैं मरकर भी आपका एहसान नहीं भूलूंगी, मुझे सहारा दीजिए। मुझे चिराग, बात के चिराग में रोशनी तो लगती है उस्ताद, ले जाए इस छोरी को घर। बेफिक्र। ईश्वर प्रसाद जी, आप परेशान क्यों होते हैं? आपकी बेटी को बच्ची तो है नहीं जो खो जाएगी। अरे खो नहीं गई, अपने बाप का घर छोड़ के भाग गई है वो। आपके इस निकम्मे और नाकारा बेटे के साथ हम जबरदस्ती उसकी शादी करना चाहते थे, इसलिए बाप को छोड़कर भाग गई है वो। अरे डैडी, ये कौन से टाइप की बात हुई, बेटी इनकी भाग गई है, निकम्मा और नाकारा मुझे कह रहे हैं? अबे तू चुप कर, टकली। ईश्वर प्रसाद देखिए ठक्कर साहब, मैं बहुत परेशान हूँ, आप इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अरे आप चिंता क्यों करते हैं, मैं हूं ना आपके साथ। नो थैंक यू ठक्कर साहब, अपनी परेशानी मैं खुद झेल लूंगा, लेकिन आप कृपा करके आज से, बल्कि अभी से इस शादी वाली बात को हमेशा के लिए भूल जाइए। भूल जाऊं? ऐसे कैसे भूल जाऊं ईश्वर प्रसाद जी, हमारे तौर तरीके एक हैं, जिंदगी का अंदाज एक है, बिजनेस का स्टाइल एक है। कोई स्टाइल वाइल एक नहीं है, बल्कि मुझे धोखे में रखकर आप मेरे नाम पर गलत कारोबार करते रहे, मेरी कंपनी के माल में अपना स्मगलिंग का माल ले जाते रहे, मैं बेखबर रहा। ईश्वर प्रसाद जी, इस दुनिया में जुर्म करना गुनाह है, मगर जुर्म से बेखबर रहना उससे भी बड़ा गुनाह है। अगर मेरा माल आपके नाम से स्मगल होता रहा और आप बेखबर रहे, तो इसमें आपकी बदकिस्मती है, मेरी नहीं। और कम से कम इस जन्म में तो इस बदकिस्मती के दलदल से निकलने के लिए आपके पास कोई रास्ता नहीं है। मैं दुनिया को बता दूंगा क्या आप मेरे साथ फरेब करते हैं। एक मिनट ईश्वर प्रसाद जी, अगर आपने जल्दबाजी में मेरे कारोबार का राज फाश किया तो मैं आपकी जिंदगी पाश पाश करके रख दूंगा। ईश्वर प्रसाद जी, आप शरीफ आदमी हैं और ठक्कर बदमाश है, और इतना बदमाश है कि सारी दुनिया के बदमाश उसकी पूजा करते हैं, इसलिए ठक्कर की बात को भगवान का प्रसाद समझकर मान जाइए, उसे टकराइए मत, इसी में आपका भला है, याद रखना मेरी बात को। अरे अरे गुरु, अरे गुरु, एक बहुत जरूरी काम याद आ गया। अरे उस्ताद मर गया, क्या मर हुआ? मैं चलता हूँ। लक्ष्मी, ये फूल मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। लक्ष्मी, लक्ष्मी भैया आ गए, तुम जाओ। ए लक्ष्मी, लक्ष्मी, अरे वो लक्ष्मी भैया, लक्ष्मी ये क्या हुआ? इधर। ये कौन? ये इस घर में मुझ पर हुक्म चलाने वाली, इस दुनिया में मेरी गलती पर डांटने का हक रखने वाली एक और सिर्फ एक हस्ती है। क्या ये मेरी बहन लक्ष्मी? बहन? हाँ बहन। और लक्ष्मी यह लता। हाँ, तभी खुशबू आ रही है। अरे नहीं नहीं, ये चंपा चमेली के फूलों की लता नहीं है, सिर्फ नाम की लता है, आज से कुछ दिनों के लिए यही रहेगी। और कुछ दिनों के बाद?
अरे बाबा तू खाना वाना खिला, बातचीत कर, मैं जरा ऑफिस होकर आता हूँ। हाँ, हाँ, आप जाइए, मैं इसे बहुत सारे बातें करूंगी। ये सड़ाना नहीं है। चलो लक्ष्मी, अरे आ जाओ, इसे अपने ही घर समझो, घबराओ मत। हाँ? ला ला ला। अरे क्या करता है तू? कितनी मरता का थूका मत कर, मुंह में धागा है। तू निकाल ये धागा। पिताजी पिताजी, आज मैं पुण्य का काम करने जा रहा हूँ। वो हमारा माली है ना, माली, उसकी भैंस ने दो बछड़े दिए, मैं उसका मुंह मीठा करवाने जा रहा हूँ। माली की भैंस ने दो बच्चे दे दिए? हाँ। धोबन की कुतिया ने 12 बच्चे दे दिए। मैंने जो बैंक में पैसे रखे हैं वो ब्याज की शक्ल में बच्चे पे बच्चे देते चले जा रहे हैं। अबे तू छोटा सा खिलौना लेकर कब आएगा? खिलौना? आप मुझे पैसे दो ना, मैं बाजार से खिलौना लेकर आता हूँ। अबे अबे वो खुशी को शर्माने वाले बेवकूफ, अबे तू बाप का बनेगा? बाप? पिताजी मैं क्या करूँ, सुबह से शाम तक मंदिरों का चक्कर काटता रहता हूँ। अबे खच्चर, 12 महीने मंदिर के चक्कर काटने के बजाय अगर खाली 2 महीने तू अपनी बीवी के चक्कर काटेगा ना, तो खुद ब खुद हंसता हुआ मुन्ना घर में चला आएगा। आपका मतलब है कि अपनी बीवी को खंबे के साथ बांध कर सुबह शाम उसके चारों तरफ कोलू के बैल की तरह मैं चक्कर काटता रहूंगा तो मैं बाप बन जाऊंगा और आप दादा बन जाएगा मेरा? अबे हाथी के शरीर में गधे की अकल रखने वाले जानवर तू समझता क्यों नहीं है? अपनी बीवी के साथ रहा कर। ठहर, मैं बुलाता हूँ तेरी बीवी को। उसका नाम क्या है? कोई अपनी बीवी का नाम थोड़ी लेता है। कितना थूकता है? माला बेटी। बाबूजी आपने मुझे बुलाया? अरे मैंने नहीं, इस गधे ने बुलाया, इसको साथ ले जा। इसको तो अकल नहीं है मगर तुझे तो है, चल जा रहे। पिताजी आप भी आओ ना। हेलो। क्या पिताजी? ये लाल फोन मेरा है, 1000 बार का है, कोई फोन को हाथ नहीं लगाएगा, जो लगाएगा वो थप्पड़ खाएगा, इसलिए मारा। अब पिताजी आपकी तो बात ही अलग टाइप की है, मैंने 1000 टाइप के लोग देखे मगर आपके जैसा टाइप नहीं देखा। रॉन्ग नंबर। टक्कर में शेरा, मैंने अपने प्लान के मुताबिक सारा काम करवा दिया है, बस सिर्फ तुम्हारा इंतजार है। मैं आ रहा हूँ। इस तरह मुझे घूर घूर के क्यों देखे जा रही हो? मैं इंसान नहीं लगती हूँ क्या? अरे हंस क्यों रही हो? क्या क्या हो गया तुम लोगों को? नहीं नहीं गलत मत समझना, क्या है दरअसल हम लोगों में ना शर्त लगी है। मैंने इन लोगों से कहा कि तुम है ना मेरे भैया से वो प्यार करती हो, इसलिए वो तुम्हें घर ले आए, मगर ये लोग कहती है कि नहीं नहीं तुम उन्हें कहीं रास्ते में भटकती हुई मिल गई होंगी और उन्होंने तुम पर दया करके तरस खाकर तुम्हें घर ले आए। अब तुम ही बताओ ना सच क्या है। हाँ मैं तो रात ठहर चला था। अपनी असलियत मत बताना वरना इन लोगों को शक हो जाएगा और बात लोगों तक फैलकर पुलिस तक पहुंच जाएगी, संभाले मामला। आप मैं अपने मुंह से क्या कहूँ लक्ष्मी, मुझे शर्म आती है। दरअसल जो तुम समझ रही हो ना वही सच है। वो मारा सुना तुम लोगों ने, अब तो मानती हो? अरे मैं तो पहले ही समझ गई थी, ये चांद सा टुकड़ा आकाश से उतरकर मेरी भाभी बनकर मेरे घर को चमकाने आया है। हार गई ना तुम लोग, चलो चलो ये बात जाकर बस्ती में सबको बताते हैं। अरे लक्ष्मी सबको मत बताना। अरे बापरे गई काम से। क्या रे जगन? नमस्ते मालिक। मैं क्या सुन रहा हूँ, तू लॉरी ले जाने से इनकार कर रहा है? इनकार नहीं कर रहा हूँ मालिक, दरअसल कल मेरी बेटी का ब्याह है। तो क्या हुआ, तू कौन सा कहीं का महाराजा जो तेरे न होने से तेरी बेटी का ब्याह रुक जाएगा? चल लॉरी लेकर जा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मालिक, सगा बाप नहीं होगा तो बेटी का ब्याह कैसे हो सकता है, कन्यादान कौन करेगा? मैं ज्यादा बकवास सुनने का आदी नहीं हूँ, अगर बेटी का ब्याह इतना ही प्यारा है तो जा इसी वक्त नौकरी छोड़कर चला जा। ठक्कर सेठ, जिस तरह आपके मरने पर आपके चिता को अग्नि देने के लिए आपके बेटे का होना जरूरी है, उसी तरह जगन के लिए बेटी का कन्यादान करना उससे ज्यादा जरूरी है। विश्वा नहीं मिस्टर विश्व प्रताप कहो, आइंदा गलती नहीं करना चूजे। और एक बात सुन लीजिए, इसे 3 दिन की छुट्टी देनी होगी, 3 महीने का एडवांस देना होगा, वरना ये लॉरी तो क्या, इनमें से एक भी लॉरी 1 इंच आगे नहीं जाएगी। ठीक तो कह रहा है, शाबाश विश्वा बहुत खूब। मैं दरअसल तुम लोगों का इम्तिहान ले रहा था, वो लोगों ने मशहूर कर रखा है ना कि गरीबों को सिर्फ दौलत से प्यार होता है, औलाद बेटी रस्म रिवाज सबको ठोकर में मारते हैं, मैं मान गया। आज ये ठक्कर गरीबों के दिल की अमीरी को मान गया है, क्यों पार्टनर? और इसलिए जगन को सब कुछ मिलेगा, 3 दिन की छुट्टी भी मिलेगी और 3 महीने का एडवांस भी मिलेगा शादी के लिए। अब तो खुश हो मिस्टर विश्व प्रताप? ठीक है,
इस गाड़ी का सामान मेरी गाड़ी में चढ़वा दीजिए। आज जगन चाचा की जगह मैं चंबल घाट जाऊंगा। ए चिराग, चंबल? बाप रे, मर गया। उस भयानक जंगल में दिन दहाड़े शेर चीते लगड़ बग्घे आजादी से ऐसे घूमते रहते जैसे गुड़ पर मक्खियां पिकनिक मनाती हैं। मैं नहीं जाने वाला, मैं कुछ चक्कर फिट करके वहां से फूट लूंगा। अबे ओ बुझे हुए चिराग, जल्दी आ। गुड मॉर्निंग गुरु। ए, तुम कहाँ जा रही हो? वो चिराग का बच्चा कहाँ है? उस बेचारे को बहुत जोर का दर्द हो रहा है गुरु। हाँ? अरे झूठ बोलता है साला, नाम चिराग है लेकिन उसके अंदर से 400 पीसी का अंधेरा निकलता रहता है। जा बुलाओ उसको। अरे सच गुरु, उस बेचारे के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए इस ट्रिप में अपने साथ लपेट लो गुरु। क्या तुम्हें और अपने साथ? हाँ गुरु, क्लीनर बन के चलूंगी। ए, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अबे अरे चिराग, गुरु गुरु मेरी बात तो सुनो, अगर तुम मुझे यहाँ छोड़कर चले गए और कहीं वो पैसे वाला आ गया और मुझे जबरदस्ती ले गया तो नहीं नहीं। अरे ये तो तुमने अजीब झंझट में डाल दिया। आ जाओ, चल जाओ। अरे जी मेरे प्यारे प्यारे गुरु, थैंक यू गुरु। अपनी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी या हैंडल घुमाना पड़ेगा? ओ, अपनी गाड़ी को स्टार्टिंग प्रॉब्लम नहीं है, स्विच मारते ही चालू हो जाती है। सयानी मत बन, चढ़ जा। राइट राइट, चलो गुरु। बच गया, ये चिराग बुझने से बच गया। ओए सोने हो? चल फुट। ए, चलो नीचे उतरो। नीचे? मैं क्यों उतरूं? अरे तुम्हारी सूरत देखने के बाद लोग गंदी गंदी हरकतें करते हैं और एक्सीडेंट कर बैठते हैं। इसमें मेरा क्या कसूर है? हाँ, कसूर तो मेरा है, अगर एक्सीडेंटों का यही हाल रहा ना तो चंबल घाट पहुँचते पहुँचते सेंचुरी हो जाएगी। चलो नीचे उतरो। मगर मैं यहाँ उतर कर जाऊंगी कहाँ? ये लो पैसे और कोई बस पकड़ लो, चलो उतरो। बीच रास्ते में थोड़े से पैसे देकर एक अकेली लड़की को उतार रहे हो? कोई बात नहीं, भगवान तुमको भी अगले जन्म में लड़की बनाएगा और तुमको भी कोई ऐसे ही छोड़कर जाएगा। चल 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 हट, तब पता चलेगा। अरे चल ले, चल फुट। ये क्या गुरु, कोई हम पर गोली चला रहा है? अरे ये गोली की आवाज नहीं, टायर पंक्चर हो गया है। क्या टायर पंक्चर हो गया और वो भी इस जंगल में? तो पंक्चर क्या जगह देखकर होता है? ये फर्स्ट टाइम है, वरना मेरी गाड़ी का टायर कभी पंक्चर नहीं हुआ। मेरे बैटरी से टायर पंक्चर हो गया क्या? ए, बक बक बंद करो, देखो पंक्चर किधर हुआ है, उतरो। गुरु, ओ गुरु, ये देखो ये टायर पंक्चर हुआ है। देखो गुरु टायर पंक्चर हो गया, इसमें हंसने की क्या बात है? जाओ जाकर जैक लेकर आओ। जैक? वो कौन है? अरे जिससे लॉरी उठती है। कितना बड़ा होता है गुरु? इतना बड़ा? इतना सा जैक इतनी बड़ी लॉरी को कैसे उठा सकता है? देखो फुजूल की हुज्जत मत करो, जाओ केबिन से जैक लेकर आओ। ठीक है। गुरु, जैक जैसी कोई चीज मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तुमको जो साथी बनाएगा उसको जिंदगी में कुछ नहीं दिखाई देगा। बड़ी स्टाइल मल के कह रही थी मैं क्लीनर बन के चलूंगी, और घर से निकलते वक्त ये भी नहीं देखा कि जैक है कि नहीं। गुरु गुरु उधर से लॉरी आ रही है, रोको। हाँ रोको। स्टॉप स्टॉप प्लीज स्टॉप। अरे शेरा साहब, अच्छा हुआ आप मिल गए, अपना जरा जैक देना, टायर पंक्चर हो गया है। मैं देखता हूँ साहब। अबे ओए बैठ बैठ गाड़ी में साले। और क्या है कि आज मैं अपना जैक भूल गया हूँ, तुम कहो तो मैंने रास्ते में छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं। अरे यार सोचता क्या है, मेरा जिम्मा रहा ना। ए, ए, लड़की क्या करती है, फल चुरा रही, लाड़। चार फलों के लिए इतना क्यों मर रहा है, खाने देना भैया। खाने दे, कच्चे हैं, मुंह में खुजली हो जाएगी, लाड़ रहा। तू तो भैया कहने के भी लायक नहीं है, ले कंजूस मखीचूस। अरे शेरा साहब ऐसे शोर मचा रहे हो जैसे फल नहीं कोई सोने की ईंट है, नहीं देना तो ले जाओ यार। अरे जा रहा यार, एक तो फल चुराते हो ऊपर से रोप डालते हो, चलो। अरे जाओ यार।
चल बे। अरे पता नहीं कहाँ चला गुरु, फल खाओगे? फल तो वो छीन के ले गया, तू क्या हवा से तोड़ के लाएगी? तुम्हें फल चाहिए क्या, सिर्फ इतना बोलो। अरे मगर है कहाँ? ये रहा। ये तू कहाँ से निकाली? जब वो तुमसे बात कर रहा था तो मैंने चुपके से एक मार दिया। लो खा लो। मुझे नहीं चाहिए। गुरु, ये गुदा तो मीठा होना चाहिए, मगर ये तो अजीब सा है। गुरु, ये देखो, ये कोई और चीज है। क्या? ये तो अफीम है। अरे बाप रे माँ। इसका मतलब ये लोग फलों में अफीम स्मगल करते हैं। तुम यही ठहरो, मैं पुलिस को बुला कर लाता हूँ। यहाँ ठहरो। नहीं नहीं, यहाँ अकेले नहीं रह सकती, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ओहो, आओ। अले मेला बेटा बेटा, अले तेरा नाक कितना गंदा हो गया। अले आइसक्रीम क्या, मैं तेरी आइसक्रीम की फैक्ट्री खोल दूंगा बेटे। बाबू बाबू, मेरे लिए गोला बन जाओ ना। अरे मैं तेरे लिए गोला क्या, मैं तो गधा बन जाऊंगा बेटे। चल मेरे गोले तुक तुक तुक, चल मेरे गोले तुक तुक तुक, चल मेरे गोले तुक 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 तुक। अबे रो क्यों रहा है, तेरा बाप मर गया क्या? अरे मेरा बाप नहीं मरा, लेकिन मैं जरूर मर जाऊंगा। वो क्या है कि मुझसे बच्चे पैदा नहीं होते ना, इसलिए मैं अपने बाप के मुंह से रोज गालियां सुनता हूँ, हथौड़े खाता हूँ, जूते खाता हूँ। भाई साहब, आपके पास जहर है, मुझे थोड़ा जहर दे दो, मैं जहर खा के ट्रेन के नीचे लेट कर खुदकुशी कर लूंगा। अरे ये कौन सी स्टाइल की खुदकुशी है, पहले जहर खा लेगा फिर ट्रेन के नीचे लेट जाएगा। अबे रोना बंद कर, ऐसा भेसुरा रो रहा जैसे कोई मिल का बोपू बज रहा हो। मुझे लगता है तेरी बीवी बच्चा जनने के लायक नहीं है। मगर दोस्त, एक आइडिया है, अगर तू उस आइडिया का साथ दे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुझको बच्चा जरूर पैदा होगा। अबे क्या कर रहा है? कौन सा आइडिया, जल्दी बताओ। अरे वो ढाबे वाली चंदा को जानते हो ना? बस उसके पास पहुँच जाओ और वहाँ जाकर क्या करो, अगर तू मेरा कहना मान ले तो 6 महीने के अंदर अंदर तेरे दरवाजे पे लॉरी खड़ी होगी। वो कैसे? अरे वो ऐसे कि सिकंदर लाल ठक्कर जो 500 लारियों का मालिक है, उसका एक बेवकूफ बेटा माखन, उसको मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। क्या? उसे एक बेटे की जरूरत है। तो मैं क्या करूँ? मैं उसको तेरे कमरे में भिजवा देता हूँ। हरामखोर बेईमान दलाल की औलाद, तुझे जीते जी कीड़े पड़े, तूने मुझे समझ क्या रखा है? मेरी बात सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना। एक तो वैसे ही महीने से पैर भारी है, मैं गर्व से हूँ, ऊपर से तू गंदी गंदी बातें करता है। अरे गंदी, अरे चुप साला, तुझमें शादी करने की हिम्मत नहीं है तो किसी जानवर को लाके मेरे दरवाजे पर खड़ा कर दिया। अरे सुन तो सही, दिमाग के कार्बोरेटर पर जोर दे, बुद्धि का इंजन जो फेल हो गया है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये जो माखन है ना माखन, इसकी शादी को 5 साल हो गए, अभी तक गर्भवती नहीं हुआ। क्या? मेरा मतलब इसकी बीवी गर्भवती नहीं हुई। मैं उसके लिए घोड़ा सुलाऊ दारू लेकर आया हूँ। क्या सुला? घोड़ा सुलाऊ। अंदर आने से पहले मैं उसको इतनी पिला दूंगा कि कमरे में घुसते ही वो मरे हुए बैल की तरह औंधा गिर पड़ेगा। बस इंटरवल। फिर उसके बाद? उसके बाद, उसके बाद कुछ दिनों में तू उसको कहना कि तू गर्भवती हो गई है, घबरा कर वो तुझ पर एक लॉरी चलाएगा, और मेरा मतलब एक लॉरी तेरे नाम लिख देगा। बस उसके बाद अपन दोनों शादी कर लेंगे। अरे मान गई? अरे बड़ी मुश्किल से राजी किया है, मालूम है? सच? दारू किधर है? अरे ये रही, एक ही सांस में अपने पेट की टांकी में उड़ेल लो। फिर से पीजा शेर बच्चे। मेरे बच्चे को पैदा करने वाली कहाँ है? अरे इस माखन की चंदा, अरे तू कहाँ है? आजा मेरे चंदा, मेरी दुनिया में बहुत अंधेरा हो गया है, बच्चों का बल्ब जला के उजाला कर दे रहे। मेरी चंदा, मेरी चंदा। देखा, इसे कहते हैं फुल स्टॉप। अब चांदनी और चिराग का होगा मिलाप, जल्दी कर वरना आइडिया ना हो जाए फिर। गुरु, सोएंगे कहाँ हम लोग? हम लोग? अब मेरा मतलब है कहाँ सोएंगे? तुम केबिन में सोगी और मैं उधर। चलो चलो चलो। बाप रे, खाती पीती है।
चिंगारने देना, तेरे गले में क्यों तकलीफ हो रही है? सुंड में उठाकर कहीं पटक दिया तो गुरु? अरे हाथी सयाना जानवर है, कोई फालतू चीजें नहीं उठाता। चल सो जा। गुरु गुरु मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं तुम्हारे पास आकर सो जाऊं? ओहो क्या मुसीबत है, जा जाकर ऊपर करिश्त में सो जा। क्या गुरु लंबाई मुझे पूरी पड़ जाएगी? अगर पूरी नहीं पड़ेगी तो सुकड़ कर सो जा। अरे जा। जाते हैं बाबा, इतना भड़कते क्यों हो? गुड नाइट गुरु। ला, ला, ला। ओ, क्या मुसीबत है, आप क्या हुआ? शेर धाड़े मार रहा है गुरु। तो धाड़े मारने देना, तेरे पेट में क्यों तकलीफ हो रही है? गुरु छलांग मारकर ऊपर आ गया और मुझे पंजे मार मार के शेर फट के मुंह खा गया तो? नहीं 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 नहीं। अरे शेर को मालूम है कौन सा जानवर खाना चाहिए और कौन सा नहीं, तुझे खाकर शेर को अपना पेट खराब करना है क्या? चल जा सो जा। फिर भी रिस्क क्यों लेने का गुरु? नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है। ओ तौबा, कहां फंस गया? ठीक है चल नीचे आकर सो जा। कहाँ सो गुरु? तुम्हारी बगल में? बगल में? मेरा मतलब है कौन सी जगह? ए, ज़्यादा बकवास मत कर, इधर सो जा। तुम कितने अच्छे हो ना गुरु, बहुत ठंड लग रही है, जरा अपनी चादर में आने दो ना। ए, ए, ए। लगता है थोड़ी देर के बाद कहेगी कि मैं कुछ छिपक कर सो जाऊं। आपको कैसे मालूम हुआ? अबे जब मैं आदमी हूं, कोई होटल का कमरा नहीं, देखने दे कि डू नॉट डिस्टर्ब लगा हुआ है फिर भी घुसी जा रही है। आंखें मुंह बंद करके सो जा। अरे माँ, ये भगवान बहुत ठंड लग रही है। ओहो, ओहो, ये ले चादर, आके लिए उठकर सो जा। थैंक यू गुरु, इसकी क्या जरूरत है, हम अगर तकलीफ उठा नहीं। भगवान के लिए चुप हो जा। गुरु, गुरु बचाओ। गुरु, छोड़ दो मुझे। गुरु। अरे वाह वाह चमिया। अरे कौन है तू? मसाले। यही है वो जो अफीम की स्मगलिंग करते हैं। बहुत दिनों से पुलिस को तुम लोगों की तलाश थी, चलो अब बताता हूं। थैंक यू फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मिस्टर विश्वा। वेलकम। थैंक यू, ले जाओ इसे। लेकिन मैंने क्या किया? अरे बाप रे, मैं तो बहुत थक गई हूँ और भूख भी बहुत लग रही है, कुछ खाने को दो ना। अच्छा, अकेले गुंडों से लड़ाई मैंने की और थक तुम गई हो और भूख भी तुम्हें ही लग रही है। हाँ तो तुम लड़ रहे थे और मैं देख रही थी, देखने में भी तो ताकत लगती है कि नहीं? जल्दी से फटाफट कुछ दो, मुझे बहुत भूख लगी है। देखो भाई, यहाँ तो कुछ नहीं है, बचा तो सिर्फ मैं हूँ, मुझे खा लो। तुम्हें खा लो। हाँ। जायका बुरा नहीं है। चल 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 सीधा चल चल।